हरे कृष्णा, क्लास 10 कैसे हैं आप सभी? सर हम तो ठीक है, आप सुनाओ बच्चे। मैं भी ठीक हूँ, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, आप सब बहुत अच्छे हो, सही दिल से कह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, आपको बताना चाहिए ज्ञानी कीटा के प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन कंप्लीटली ओवर हो चुका है। ऐसे में बच्चे क्या है, चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन रह गए थे, तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन के इंडेक्स क्वेश्चन है। इंडेक्स क्वेश्चन से कुछ पेजेस में होते हैं, लेकिन मैं सारे को इकट्ठे कराऊंगा। इट मीन बच्चे क्या है, अगर आप इंडेक्स क्वेश्चन देखो ना एनसीईआरटी में, तो कुछ पेजेस के बाद है, तो लेकिन मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सेम बच्चे इन सारे क्वेश्चन समझो, उसके बाद की जो पीडीएफ है वो ज्ञानी कीटा के टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। तो जो व्यूअर्स नए हैं पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। सेकंड थिंग बच्चे बोलो क्या, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, बिकॉज सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ही आती है, और पीडीएफ जो टेलीग्राम की जो लिंक है बच्चे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ध्यान बच्चे क्या है, आज का चैप्टर हम क्या, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और उसके बाद करेंगे सीबीएसई के चैप्टर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, जैसे चैप्टर और नए चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके स्टार्ट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूँ पीडीएफ ज्ञानी कीटा के टेलीग्राम ग्रुप में जाके अभी ज्वाइन कर लो। चलिए शुरू करते हैं। यस तो बच्चे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है क्या, ये सारे क्वेश्चन देखो क्या आपके बुक में ना ये जो है अरेंज है, ये कुछ पेज नंबर पे है, लेकिन मैं सारे जो है कंसेक्यूटिव कराऊंगा, और बार बार कह रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए आपके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे अच्छी जो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या सबसे जो पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो लिखा है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन, बहुत सिंपल चीज़ क्या है, अगर मैं कनकेव मिरर को ड्रॉ करूँ, देखो कनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है, कनकेव मिरर है ठीक है, ये कनकेव याद है है, इसे क्या बोलते हैं, सेंटर को बोलते हैं, बोलो क्या पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बोलते पोल है। और मुझे पता कि देखो जब भी बच्चे प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना होगा ना, हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो कहां पर, इंफिनिटी। बहुत सिंपल सी बात है कि सर चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, व्हेनेवर वी हैव टू डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर दो, चाहे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो एट इंफिनिटी। तो जब भी बच्चे इंफिनिटी से जो पैरेलल देखो, चाहे मुझे याद है जब भी चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर चाहे कन्वेक्स मिरर हो, जब भी बच्चे इंफिनिटी से आपकी जो रेज आएंगी, हमेशा बोलो क्या है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, बच्चे हमेशा बोलो क्या, पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये देखो ये लाइन है जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, देख रहा है ये जो लाइन आ रही है जो सी को पी से जोड़ती है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसकी जो सब पहला आ रही है, अब होता क्या है, जो पहला आ रही है उसके बाद टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं, जिस पॉइंट पर रेज ऑफ लाइट मिलते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस की बात हो। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो इन्फिनिटी पे, वहां से जब रेज ऑफ लाइट आएंगे और टकराने के बाद जहां पर एटलीस्ट दो मिल जाएंगे, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो इसका मतलब क्या है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपने देखा था बच्चे दो केस होते हैं, एक वर्चुअल और एक बोलकर रियल है। वर्चुअल में कैसा केस होता है, आपका अपीयर टू मीट है, और रियल में क्या होता है, आपका एक्चुअल मीट होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने डिफाइन किया प्रिंसिपल फोकस, और जब भी डिफाइन करने आएगा ना, हमेशा डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं, जिस तरह ड्रॉ किया हुआ है सेम से कनकेव है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, जब भी न्यूमेरिकल्स आए ना, जब भी न्यूमेरिकल्स आए सबसे बड़ी बात है, अच्छा गिवन क्या है और क्या निकालना है, गिवन क्या है क्या निकालना है फिर निकालो। देखो क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि आर आपको दे रखा कितना बच्चा आपका 20 सेंटीमीटर देखा चाहिए, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। आपसे कह रहा है कितना नकली फोकल लेंथ निकालो, क्या निकालो बच्चे फोकल लेंथ है, बहुत सिंपल सी बात है, चेक है मुझे पता है रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोल क्या होता है, एफ जो होता है एफ इक्वल टू चुके आर बाय टू, एफ बच्चे क्या होता है आर बाय टू है, जहां पर एफ क्या है फोकल लेंथ, आर बच्चे क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इट मीन वो सोच के बोलना आपको आर कितना अच्छा, आपको आर गिवन है साफ साफ बोल कितना 20 सेंटीमीटर, बोलो आपका तो 20 अपॉन बाय टू, बहुत सिंपल है, थोड़ी लगाओ मैथमेटिक्स, बोल के आपका 10 सेंटीमीटर है। देखो यहां लिखा नहीं, देखो यहां सिर्फ बच्चे है स्फेरिकल मिरर है, अगर साफ साफ मेंशन करता ना कि कनकेव कन्वेक्स है, तो हम फिर साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल करते, जो है ना कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वो इस्तेमाल करते, लेकिन यहां मेंशन नहीं है। आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है नेम अ मिरर, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज, फिर से बोलो ऐसा मिरर बताओ जो कि इरेक्ट दे और आपका एनलार्ज है। बहुत सिंपल सर, तीन तरह के मिरर है, कौन कौन से बच्चे, एक प्लेन है, एक कनकेव है, एक बोलो क्या कनकेव है और एक बोलो क्या आपका कन्वेक्स है, एक बोलो क्या कन्वेक्स है। देखो कन्वेक्स मिरर हमेशा बोलो क्या है डिमिनिश इमेज बनाता है। अगर आपसे कोई पूछना ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा, ऑलवेज की बात कर रहा हूं, जो हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है, बोलो क्या आपका कन्वेक्स मिरर है। अब आपसे कह रहा है कि इरेक्ट भी होना चाहिए एनलार्ज भी, आप सोच के बोला प्लेन मिरर है जो हमारे घर में लगा हुआ है, जो प्लेन मिरर जो हमारे घर पर लगा हुआ है
प्लेन मिरर कैसी इमेज देता है? सर प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज देता है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का साइज होगा। तो सोच के बोला साफ साफ मेंशन है कि एनलार्ज चाहिए मुझे, डिमांड की चीज की एनलार्ज की, तो क्या प्लेन का इस्तेमाल करेगा? भले प्लेन जो है आपका इरेक्ट बनाता है, लेकिन बच्चे प्लेन जो है सेम साइज बनाता है, इसीलिए हम कनकेव का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कनकेव के 6 केस हैं, कनकेव के 6 केस में से किस केस में, कनकेव के 6 केस में से किस केस में एनलार्ज इमेज बनता है? तो वो दो पोजीशन मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रीफर अ कन्वेक्स मिरर? क्या कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कहां पर अच्छे? रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आपने देखा क्या है, ये जो गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियों के साइड में होते हैं, साइड में जो आपके मिरर होती है, इसे बोलते हैं कि आपका रियर व्यू, जो रियर माने होता है पीछे का, जो पीछे का व्यू देखने का इस्तेमाल करते हैं, ये रियर व्यू है। तो कह रहा हूं उसमें कन्वेक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप सोच के बोलना, गाड़ी पीछे क्या है, आप मान लो कैसे गच्चे आपकी जो है गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही इस तरह से, अब पीछे से कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि सर बहुत सिंपल, हम ये चाहेंगे कि जो पीछे से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो मुझे दिख जाए। अब इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है, आप क्या चाहोगे? डिमिनिश बने कि एनलार्ज? अगर एनलार्ज बनेगी तो आप समझ पाओगे कौन सी गाड़ी आ रही है? नहीं ना, इसका मतलब आप चाहते हो सर मुझे कैसी इमेज बने, डिमिनिश में बने। तो डिमिनिश के केस में आप पूछे क्या, मुझे पता है कि कौन सा मेरा हमेशा डिमिनिश बनाएगा, सर कन्वेक्स है। तो कह रहा क्यों करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। अब मन में आया सर कनकेव मिरर भी तो डिमिनिश बनाता है दो केस में, पर लेकिन बच्चे बनाता तो है, लेकिन उस केस में रियल एंड इन्वर्टेड होते, इसीलिए क्या है कनकेव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम कन्वेक्स करेंगे। क्यों? बिकॉज क्या है, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, इरेक्ट देगा, दूसरी अच्छे बोलेगा डिमिनिश, इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश देगा। दूसरी बात, अगर आप देखोगे क्या है कन्वेक्स का जो है ना, देखो ये जो फील्ड है, ये जो आपका दिख रहा है, ये कर्व्ड आउटवर्ड्स होते हैं, ये बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं, तो जितने बहुत सारा दिख रहा है, ये बहुत सारा जो है एरिया मिल जाता है, इसकी वजह से बोलो क्या है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज देयर कर्व्ड आउटवर्ड्स है। तो ये दो पॉइंट मेंशन करने की, बताओ क्यों हम उसे कन्वेक्स का इस्तेमाल जो है रियर व्यू में करते हैं। तो हमने वो करा, ये चार क्वेश्चन से आपके जो कि अच्छे पेज नंबर पे हैं। अब नेक्स्ट चार क्वेश्चन करते हैं, देख चुके हैं तो हमने लाइन वाइज कर रखे हैं। अब चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन, देख रहे हैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वीडियो पॉज कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? ओके ओके, अब हम करेंगे अच्छे फिफ्थ क्वेश्चन। ओके देन, ठीक है चलो अच्छे, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, ठीक है चलो। चलो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कह रहा है कि फोकल लेंथ निकालो किसका, कन्वेक्स मिरर का, और साफ साफ मेंशन है बच्चे बोलो क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चे, 32 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि सर सेम बच्चे एफ की बात करो तो एफ बोलो कि आपका आर बाई टू है, ठीक है पुट कर लेंगे, पर लेकिन यहाँ पर ना स्पेरिकल मिरर नहीं बोला, यहाँ मेंशन किया गया कौन सा मिरर है, कन्वेक्स है। तो अच्छा बताओ कन्वेक्स चाहिए, देखो कन्वेक्स ही तो होता है, ये आपका क्या है कन्वेक्स है, कोई दिक्कत है? सोच के बोलना, कन्वेक्स का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का राइट में होता है कि लेफ्ट में, राइट में होता है, इसका मतलब बताओ ये पोल से अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो ये डिस्टेंस कैसा होगा? ऑब्वियसली आता है पॉजिटिव। मतलब सर मैं इतना सीखा कि जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि आर कैसा पॉजिटिव, तो बोलोगे आर कितना, 32 सेंटीमीटर, मतलब प्लस में लेंगे, सेम बच्चा 1 2, इसका मतलब क्या 16, कैसा प्लस का, बोलोगे प्लस का 16 सेंटीमीटर है। जब देखो स्फेरिकल मिरर बोले तो साइन का इस्तेमाल मत करो, लेकिन जब साफ साफ मेंशन किया गया कन्वेक्स मिरर है तो उस केस में बोलोगे साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करना है। तो हमने ये सीखा कि सर आपका कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ होता है, इसीलिए बच्चे बोलो क्या है आपका जो चाहिए, क्या कहते हैं आपका ये जो ना फोकल लेंथ, वो भी कैसा होगा, राइट में होगा और ये पॉजिटिव होता है। अब बच्चे बहुत सिंपल से आप करते हैं क्वेश्चन 6, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन 6 जो है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, एक कनकेव मिरर है, प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। कनकेव मिरर की बात कर रहा है, सोच रहे थे कनकेव मिरर की बात कर, ठीक है, कह रहा 3 times मैग्नीफाइड है, मतलब क्या है ये मैग्नीफिकेशन क्या है आपका, एम जो है बोलो कितना आपका, एम बच्चे आपका है 3। अब सर एम जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एम बच्चे आपका नेगेटिव भी हो सकता है, इस केस में कौन सा ले? बहुत सिंपल से अच्छे क्या है, साफ सा लिखा रियल है, रियल का पार्टनर क्या होता है बच्चे, रियल का पार्टनर आपका होता है इनवर्टेड, रियल का पार्टनर क्या होता है बच्चे आपका, इनवर्टेड होता है, मतलब बोल के ये इमेज ना इस तरह की बनेगी, देखा आपका, देखो ये कनकेव है, ये बच्चे ऐसा बनेगा, ये नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इस केस में m की वैल्यू हमेशा बच्चे बोल के लेंगे, m की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, अगर रियल है तो नेगेटिव लेंगे, और वर्चुअल और इरेक्ट से बोल के पॉजिटिव है। अब साफ साफ बोला कि क्या बना अच्छे, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या चाहिए, यू तो यू कितना चाहिए आपका बोलो, माइनस का 10 सेंटीमीटर, सर माइनस हो दिया था आपने, क्यों ले लिया, अरे मौसम अच्छा है ना इसने ले लिया बच्चे, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए यू नेगेटिव लिया। अब आपसे क्या कर रहा है, इमेज निकालो, मतलब कि आपसे इमेज कहां बनेगा, मतलब इट मींस आपसे पूछ रहा है इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस है। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आए ना, आप पहले ये देखो क्या क्या आपको गिवन है, आपने गिवन लिखा, आप सोच के एक रिलेशन मुझे पता है एम इक्वल टू बोलो क्या माइनस वी अपॉन पे यू, पता नहीं पता बिल्कुल, पता अच्छे कि मैग्निफिकेशन को जो है इमेज डिस्टेंस अपॉन पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन माइनस में साइन होता है, यहां पर अरेंज करो, सोच के बोलना
माइनस वी बोल के माइनस वी के अंदर जब एम इसको इसको ले इस तरफ ले जाओ तो एम इंटू पे यू, एम इंटू पे चाहिए यू बोले माइनस वी। अब सोच क्यों क्या पुट करो क्या, तो एम कितना बेटा एम आपका है माइनस का थ्री, यू कितना बच्चे आपका यू आपका है यू यू माइनस का टेन है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आपका आएगा थर्टी, माइनस में कटेन थर्टी सेंटीमीटर है, मतलब माइनस वी कितना आ गया माइनस वी आपका आ गया थर्टी सेंटीमीटर है। तो सोच के बोलना वी कितना, चलो वी आएगा सर हमारा वी आपका आ जाएगा माइनस का, देखो छे माइनस का भी थर्टी है तो माइनस ये माइनस को उठा के ले जाओ यहाँ पर, तो बोल के माइनस का 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर, मतलब क्या है कि सर इमेज जो माइनस है ना पक्का ही बच्चे इमेज भी इस तरह भी बनेगी, इमेज भी इस तरह बनेगी, तो इमेज इज लोकेटेड टू द लेफ्ट हैंड साइड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। नकली क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बहुत सुंदर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। चलो बच्चे देखो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। हम बच्चे देखो क्या बहुत सिंपल है कि बच्चे क्या है, मान लो कि इस तरीके से मान लो कि जो एक रे ऑफ लाइट है ये है ना मजे से घूम रहा है बाहर की तरफ, बाहर क्या बच्चे बाहर आपका एयर है, तो करते 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 अब मौसम अच्छा हो गया तो बोल के एयर से कहाँ घुस गया बच्चे, बोल के एयर से घुस गया वाटर है। अब कह रहा है कि बच्चे तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे पता कि सर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात की है, जब जब बच्चे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात होती है मतलब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर हमेशा बेंडिंग टेक प्लेस करता है और इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। मतलब क्या सर इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि मतलब आपका एयर से वाटर, आप मुझे बताओ एयर कैसा बच्चे, एयर जो है ये आपका रेयर मीडियम और वाटर कैसा बच्चे आपका डेंसर है। सर रेयर डेंसर क्या होते हैं, रेयर मीडियम बच्चे वो होता है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और डेंसर वो है बच्चे जहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है आपका कम होती है। मतलब क्या है अब सोच क्यों रेयर से डेंसर है, मतलब इस तरीके से आपका देखो मतलब ये आपका ऐसे आ रहा है ऐसे, ठीक है चलो क्या रेयर से डेंसर है आप बताओ, तो पहले स्पीड ज्यादा थी अब बोलो क्या वही कम, मतलब एयर में स्पीड ज्यादा थी अब वाटर में घुस गया ना चाहिए तो स्पीड कम, तो सोच के बोला मम्मा डांटेंगी टाइम पे घर पहुंचना है, याद है लेक्चर पढ़ाया था मैंने, तो बोलो क्या सोच के बोला क्या होगा सर नॉर्मल की तरफ जाएगा, बोलो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब पूछा था आपसे डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऑब्वियस है तो बोलो कि आपका हम बोलेंगे सर टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल है। कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या बहुत सिंपल सी बात है, रीजन ये है कि बिकॉज लाइट आपका जो है रेयर से डेंसर है और जब भी लाइट आपका रेयर डेंसर है हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करता है। अब करते क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन जो 8 है बच्चे ये जो क्वेश्चन 8 है इंपॉर्टेंट है, ध्यान इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस पे और मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस पे अलग समझ कराया हुआ है, क्या लाइट बच्चे एयर से गिलास जाए सेम बच्चे के मान लो क्या लाइट बच्चे के मान लो एयर से बोलो कहा जा रहा है एयर से आपका जा रहा है ग्लास, एयर से बच्चे कहा जा रहा है आपका ग्लास है और साफ सा लिखा हुआ ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका 1.50, तो आपसे कह रहा कि बताओ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। जब भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्मूला बोलोगे आपका n इक्वल टू बोलो क्या सी बाई वी, एन इक्वल टू सी बाई वी है, यहाँ से अरेंज कर देखो n बच्चे क्या होता है n आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c बच्चे क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि आपको गिवन है, c कितना आपको दिख रहा है गिवन है, सेम बच्चे आपको v निकालना, v क्या होता है किसी भी मीडियम का स्पीड कितना चाहिए उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी, तो चलो v क्या हो जाएगा आपका v बन जाएगा आपका बोलो v बन जाएगा c by n है, c कितना बच्चे c देखो जो साफ समझ दिख रहा है c कितना आपका 3 into पे 10 raised to power 8 है और जब का बोलो n कितना चाहिए, n लिखा है 1.50 है, इसको उठा के ले जाओ ऊपर तो देखो इसको ले जाएगा ऊपर तो जाएगा 300, तो 150 बन जा 150 2 जा, तो कितना आएगा आपका आंसर, आएगा आपका आंसर बन जाएगा 2 into पे 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। मतलब कि सर आपका जो एयर था ना एयर में स्पीड ऑफ लाइट बोलो क्या आपका 3 into आपकी बुक में ना एयर और वैक्यूम को लगभग सेम दे रखा लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, तो एयर बोलो या वैक्यूम से बोलो क्या, तो एयर में तो कितना आपका एयर में आपका है बोलो कितना 3 into 10 raised to power 8 है लेकिन जैसे गया ग्लास में कितना 2 into पे 10 raised to power 8 हो गया, इस तरीके से करते हैं कोई दिक्कत है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं v equal to बोलो c by n। अब करते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है अगर 9th क्वेश्चन की बात करो 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके 9th क्वेश्चन ठीक है, जो कि 9th क्वेश्चन में अगर बात करें एक सेकंड, ओके ठीक है जी, दोस्तों क्या है दोस्तों 9th क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है कि फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3, और आपको परेशानी ना हो इसलिए टेबल 10.3 यहां दे रखी है कि टेबल 10.3 में से बताओ किस मीडियम का हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है और किस मीडियम का लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। बहुत सिंपल सी बात है सर, देखो ये कोई मीडियम रेयर होता है डेंसर क्यों होता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है किसमें, ये डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ये डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असली नाम बोलो क्या है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसको हम एन से दिखाते हैं, जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा डेंसर होगा और जितना कम बच्चे n होगा उतना ही वो रेयर होगा। अब
सोच के लेना चाहिए हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हाइएस्ट फीचर क्या है, सबसे अगर हाइएस्ट फीचर बात करो देखो दिख रहा है आपको डायमंड, डायमंड कितना चाहिए आपका 2.42 है और बाकी सारे देखो बाकी सारे वैल्यू जो कम है, इसका मतलब बोलो क्या है हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका चाहिए आपका, बोलो सर ये है हमारा डायमंड का, किसका आपको डायमंड का है, और ये मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल लोएस्ट फीचर किसका आपको दिख रहा है आपको एयर चाहिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये एयर कितना है 1.003 ठीक है, तो आपको ये लिखना था कि सर द मीडियम विद हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी कौन सा डायमंड है और सेम से लोएस्ट कौन सा आपका एयर है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी सोचिए बोलना ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट कैसे होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। देखो साफ से बोला हुआ है यू आर गिवन केरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर, ये तीन चीजें क्या केरोसिन देखो यहाँ देखो केरोसिन का दिख रहा है केरोसिन दिख रहा है केरोसिन 1.44 पर है, सेम अच्छे बोलकर टर्पेंटाइन कितना है 1.47 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वाटर कहां से वाटर ये देखो वाटर 1.33 है। आपसे कह रहा है कि इन तीनों में किस में लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, बहुत सिंपल जैसा देखो देखो मुझे पता है n इक्वल टू क्या होता है c by v कोई दिक्कत है, n बच्चे क्या होता है n आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बच्चे बोलो v क्या आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, c तो फिक्स है c तो कितना आपका 3×10⁻¹ मीटर पर सेकंड है, मतलब अगर मैं देखूं n और v कैसे हैं जब भी ऊपर नीचे ना चाहिए अगर सामने सामने होते तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ऊपर नीचे इसका मतलब कैसे इनवर्सली, मतलब किस तरह अगर आप n को बढ़ाओगे तो v क्या होगा कम होगा और n को घटाओगे तो v क्या बढ़ेगा, ऐसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईच अदर है। अब सोच के बोलना इसका मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी, अब पूछा किसमें फास्टेस्ट होगी, मतलब फास्टेस्ट उसमें होगी जिसमें स्पीड जिसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो सोच के बोला अगर मैं केरोसिन की बात करूं टर्पेंटाइन और वाटर सबसे कम है किसका, बोलो सबसे कम आपको बोलो वाटर का है, इसका मतलब वाटर में जो है फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, इसका मतलब लाइट विल ट्रेवल द फास्टेस्ट इन द बोल के वाटर, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं है। अब इसे क्वेश्चन 11 करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 बोलो कि आपका ये अच्छा क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना 2.42 है ठीक है, अच्छा ठीक एक सेकंड ठीक है देखो मुझे बताओ कि एन मुझे क्या होता है एन आपका होता है बोलो एन आपका होता है स्पीड ऑफ एन क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन बच्चे बोलो क्या वैक्यूम है और नीचे बच्चे बोलो आपका नीचे आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन बोलो एनी मीडियम है, सोच के मतलब इस केस में मीडियम बच्चे कौन डायमंड है मतलब क्या है स्पीड ऑफ बच्चे बोल क्या स्पीड ऑफ लाइट बच्चे बोल क्या इन डायमंड कोई दिक्कत है, सोचिए बोलना आपको ये इन दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है 2.42 है, मतलब क्या है इसका अच्छा मतलब ये है कि सर बहुत सिंपल सी बात है इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है कि एन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और एन इक्वल टू स्पीड ऑफ मतलब क्या है कि सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है ना इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड का रेशियो कितना 2.42 है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बोलो सर ऐसे इस फॉर्म में लिखो और बोलो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है इसका मतलब ये है कि बच्चे बोलो क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन जो डायमंड कितना 2.42, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। सेम चाहे जरूर डायमंड ना बच्चे मानो सपोज आपने ले लिया जो है बेंजीन 1.50 है तो आप बेंजीन अगर वो ये बोलता कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन जो है कितना आपको बोलो 1.50 इसका मतलब क्या बहुत सिंपल है सर देखो 1.50 और इस वजह कुछ नहीं होता ये डायमंड इसकी जगह जो है बेंजीन आया था इसकी जगह बेंजीन है तो आप बोलते सर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन अगर है 1.50 इसका मतलब ये है कि द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन बच्चे बोलकर बेंजीन कितना है 1.50, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से डील करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है डिफाइन करो चीज मिस्टेक हो गई डिफाइन करो वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस है बहुत सिंपल हो चुका है पावर क्या होता है पावर आपका होता है 1/f ये पता पावर 1/f होता है पावर क्या ये और ये फोकल लेंथ है सोच के बोलना ये कह रहा है कि बताओ ये वन डायोप्टर कब होगा ये वन डायोप्टर तब होगा जब आपका फोकल लेंथ कितना होगा 1 meter बिकॉज जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस केस में आपको डायोप्टर है सर आपने मीटर ही क्यों लिया सेंटीमीटर आपको दिख नहीं रहा बच्चे देखो क्या जब भी अगर पावर डायोप्टर में है तो ध्यान रखना उस केस में अगर पावर बच्चे आपका डायोप्टर में है तो उस केस में हमेशा फोकल लेंथ मीटर में ही होता है बिकॉज क्यों फोकल लेंथ है और लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है मतलब क्या है कि सर बोलो क्या वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस whose focal length is बोलो क्या whose focal length is बच्चे बोलो क्या 1 meter मतलब 1 diopter उस लेंस का पावर है जिसकी focal length 1 meter है। अब बच्चे मर्जी है देखो मुझे पता है देखो क्या एक होता है कन्वेक्स है और एक बच्चे बोलो क्या कनकेव है ये जो कन्वेक्स है कन्वेक्स का जो f कैसा होता है ये आपका पॉजिटिव है अगर f पॉजिटिव तो बच्चे बोलो आपका जो पावर भी कैसा होगा पॉजिटिव है सेम बच्चे क्या है ये आपका हाँ ये कनकेव है कनकेव का बोलो f कैसा होता है नेगेटिव अगर f नेगेटिव बच्चे बोलो पावर भी कैसा आपका नेगेटिव है डिपेंड करता है इसके ऊपर ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वेक्स लेंस है ये अच्छा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे लिखा हुआ है एक कन्वेक्स लेंस है
फॉर्म्स और रियल एंड इनवर्टेड, ध्यान रखिए कन्वेक्स लेंस है और इस तरीके से क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है और जो बोले आपका ये बना रहा बोलो क्या रियल एंड, मतलब क्या इस तरीके से नीचे बनेगा रियल एंड, बोलो क्या है रियल एंड इनवर्टेड बन रहा, कोई दिक्कत है सोच के बना। इस केस में क्या है, इस केस में एम बच्चे क्या होता है आपका एच डैश अपॉन पे एच ना, एच डैश अपॉन पे एच होता है, सोच के बोलना अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, मुझे पता है एच डैश एच जो ऑलवेज पॉजिटिव है लेकिन इस केस में आपका जो एच डैश है बोलकर नीचे की तरफ है ना, और जब भी डिस्टेंस प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ बोलकर नेगेटिव लेते हैं, कोई दिक्कत बोल क्या है, इसका मतलब सर इस केस में एम कैसा नेगेटिव, ठीक है। चलो अब साफ से बोला हुआ एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब क्या है एक लेंस इमेज बना रहा है एट ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये कह रहा है इमेज बना कैसे रियल इन्वर्टेड है और साथ में कह रहा है नीडल है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, जो कि बच्चे आपका बोल क्या 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब क्या है कि सर यू कितना बच्चे यू बोलो क्या है -50 सेंटीमीटर, सर इसमें लिखा हुआ साफ साफ 50 आपने माइनस क्यों लिया, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब कैसा ठीक है इतनी बात देखिए आगे पढ़ो, कह रहा है नीडल को कहां प्लेस करो, नीडल को कहां प्लेस करूं अगर जो, अब ये ध्यान सुना कि नीडल को कहां प्लेस करूं कि इमेज का जो साइज है वो इक्वल हो जाए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है कि नीडल को कहां प्लेस करूं, मतलब नीडल प्लेस द लेंस इन द इमेज इक्वल टू द साइज, ठीक है अब ठीक है ये मतलब ये नीडल प्लेस इन द नाइस, ठीक है। तो एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ, ओके अच्छे बच्चे एक मिस्टेक हो गई है, देखो इसमें लिखा है कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल, बच्चे ये ना इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस सॉरी बच्चे ये आपका क्यों बिकॉज चीज, ओके एक सेकंड ठीक है, ये आपका जो है एक सेकंड ये मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड देखो चलो देखो क्या एक कन्वेक्स लेंस क्या क्या रियल और इनवर्टेड है लेकिन क्या डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या इसका मतलब सर ये बच्चे वी है, बोलो क्या वी आपका कितना है 50 सेंटीमीटर, और ध्यान रखना इस तरह बनना चलो क्या है तो यहां से लेके जो डिस्टेंस होगी कैसे बच्चा बोलो का ये पॉजिटिव होगी, इट मींस अच्छा वी बोलो कितना है प्लस का 50 है, ठीक है मिस्टेक हो तो क्या लेकिन पढ़ो देखो अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज बना रहा कितने डिस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर, आपके इमेज की डिस्टेंस दे रहे तो वी कितना चाहिए प्लस का 50 सेंटीमीटर है, और साफ से लिखा हो कि नीडल को कहां प्लेस करो, नीडल क्या ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करो, चाहे मैं आपसे यू पूछ रहा है, और साफ से लिखा हो कि इमेज की जो है इमेज जो है अब जो कितनी अच्छी बात दे रखी है कि आपका इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है इमेज का जो साइज है वो आपका जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल है, मुझे पता है कन्वेक्स लेंस में कौन सा केस है जहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम होती है, सर आपका जब बच्चे आपका ऑब्जेक्ट बोलोगे जब बच्चे आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होता है आपका